मैं हूं आपके साथ गुफरान मलिक, मुख्य संपादक सुनो जनता की आवाज़ न्यूज़ सहारनपुर। दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं सहारनपुर नगर निगम के वार्ड 19 में, जो कि नुमाइश कैंप कॉलोनी है, और यहां पर हमारी मुलाकात हुई है भारतीय किसान यूनियन बेदी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब राहुल बेदी साहब से, और हम जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ वार्ड 19 नगर निगम नुमाइश कैंप का जो क्षेत्र है, यहाँ आने का आपका विषय क्या रहा है। सहारनपुर में, जनपद सहारनपुर में वार्ड 19 में नुमाइश कैंप मोहल्ला गोपाल नगर में हमने आज अमन आहूजा, विकास आहूजा को हमने अपने संगठन के महानगर महासचिव के पद पर नियुक्त किया है, और अपने संगठन के बारे में लोगों को बताना चाहूँगा कि इस संगठन की ताकत या ईमानदारी या भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने का जो काम कर रहे हैं, अमन कुमार ने भी मेरे से वादा किया है, मैं इस संगठन के साथ अपनी ईमानदारी लगन के साथ परिश्रम करूंगा। देखिए राहुल बेदी जी, हम जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार से पूरे भारत में लॉकडाउन की स्थिति है, जहां पर जो है ये देखने को मिल रहा है कि लॉकडाउन के चलते लोगों के काम नहीं चले, और उसके बाद भी उत्तर प्रदेश सरकार ने और प्रत्येक राज्यों की सरकार ने जो बिजली के बिल भेजने का काम किया है, इससे जनता निराश है, इसके बारे में आपका क्या कहना है। जनता निराश तो है ही, जब सरकारें निराश जनता को करने का काम कर रही हैं, जब जनता की दुकानें हम बंद करा रहे हैं और जनता कोई तनख्वाह नहीं मिल रही, या दुकानों पर व्यापारी का काम नहीं, इनकम नहीं हो रही, तो वो व्यापारी बिजली का बिल कहाँ से भर पाएगा। जब सरकारें हमें बंद दुकानें बंद करने का कारण बताती है कि लॉकडाउन है या कोरोना महामारी से जूझ रहे हैं, इसमें दुकानें कम दिन खुलेंगी, तो सरकारों को भी सोचना चाहिए कि बिजली का बिल पूरा कैसे व्यापारी दे पाएगा। और बात करेंगे जो कि भारतीय किसान यूनियन बेदी के आज सहारनपुर महानगर के महासचिव बनाए गए हैं, विकास आहूजा, और बात करेंगे कि आप भारतीय किसान यूनियन बेदी में जो कि महानगर के महासचिव बनाए गए हैं, ये पद आपको दिया गया है, इसको लेके आप क्या करेंगे। सबसे पहले मैं इनका आभारी हूँ, हमारे राहुल बेदी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, कि उन्होंने मुझे ये पद दिया, और मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और इनकी टीम का धन्यवाद करता हूँ। अगर मुझे ये पद मिला है तो मैं इस पद को अपने दिल से, तह से, तन मन धन से निभाऊंगा, और लोगों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलूंगा, और मैं सबकी सहायता करूंगा। रात को अगर 2 बजे भी मेरे पास किसी का कॉल आ जाता है, तो मैं 2 बजे भी रात को उसके साथ में चलूंगा, निसंकोच चलूंगा, बिना किसी परेशानी के चलूंगा। अपने घर की समस्याओं को एक बार ना देखते हुए भी मैं उसके साथ कंधे से कंधा मिला के चलूंगा। और रही बात ये, मैं व्यापारी को अपने भाइयों को कहना चाहूँगा कि वो भी अपना बिजनेस थोड़ा देखभाल के करें, संभाल के चलें, कि कोई ऐसा काम ना करें कि उन्हें खुद को भ्रष्टाचार करना पड़े। हम ये चाहते हैं कि हमें भ्रष्टाचार दूर करना है, अगर व्यापारी भी भ्रष्टाचार कर रहा है तो वो हमारी नज़र में भ्रष्टाचारी कहलाएगा। क्या पद दिया गया है आपको? मेरे को शहर महानगर महासचिव का पद दिया गया है राहुल बेदी जी के द्वारा, भारतीय किसान यूनियन बेदी में, और ये महाराष्ट्र राष्ट्रीय अध्यक्ष जी राहुल बेदी जी ने मुझे इस काबिल समझा है। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल बेदी जी, और आप सभी लोगों का सुनो जनता की आवाज़ न्यूज़ टीम आभार व्यक्त करती है कि आप लोगों ने हमें बुलाया और सम्मान दिया, और हम कोशिश करेंगे आपकी आवाज़ को जन जन तक पहुँचाने की। मैं हूँ आपके साथ गुफरान मलिक, मुख्य संपादक सुनो जनता की आवाज़, और हमारे साथ में हमारे सहयोगी हैं जनाब आस मोहम्मद साहब, जो कि सुनो जनता की आवाज़ न्यूज़ के उप संपादक हैं, और आज हम आए थे नगर निगम वार्ड 19 के नुमाइश कैंप में, और यहां पर हमने आपको दिखाया है कि जहां पर भारतीय किसान यूनियन बेदी संगठन, जो कि एक जिसका नया निर्माण राहुल बेदी जी के द्वारा किया गया है, उसके पदाधिकारियों की नियुक्ति की जा रही है, और हमारी कोशिश रहेगी कि हर एक ईमानदारी के साथ देश में जनता के हित में लड़ाई लड़ने वाले की खबरों को जन जन तक पहुंचाना। बहुत बहुत शुक्रिया।